बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद अवान। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए हैं केनवुड के डीसी इन्वर्टर एसी पर। और जो आपके सामने ये मॉडल नज़र आ रहा है, आपको इसी नज़र आ रहा है, ये केनवुड का बहुत ही मोस्ट फेमस एसी है, जिसको एसीओ को अंतगुल्क भी कहा जाता है। केनवुड का 1838 स्मार्ट प्लस। और आज इसके एरर कोड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एरर जो है E3 है। अभी हमने एसी ऑन किया है तो ये आप देख रहे हैं कि इसका फोरी जो है E3 आना शुरू हो गया। ये क्यों आता है, किस लिए आता है, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये हम एसी आज एक जो है उसको ठीक करने के लिए आए हैं, तो E3 था तो मैंने कहा आपके साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये क्यों आया है। बेसिकली ये जो E3 है, E3 का जो इसका एरर कोड है, ये इसके सेंसर्स जो हैं इनके आता है, लेकिन आपको आज जो है इसका प्रैक्टिकली जो है वो टोटल खोल के दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये बिल्कुल ही जो है तकरीबन जो है एक सीज़न चला हुआ एसी, तो इसको हम खोलते हैं। तो ये दोस्तों इसकी जो ग्रिल है, इसको हम खोल रहे हैं और इसको दिखाते हैं आपको कि भाई इसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्या आई है, कौन सा जो सेंसर है वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से E3 आ गया। तो दोस्तों ये हमने इसके जो है स्क्रू जो है वो खोल रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर पर जो हमारे यूज़र हैं ये, और ये इसकी जी वाईफाई डिवाइस है जो इसके अंदर लगी होती है। तो मैंने कहा ये भी आपको मैं ज़रा दिखाता चलूं और आपको ज़रा ये 1838 ई स्मार्ट प्लस के बारे में थोड़ी सी, ये है कि ये इसका वाईफाई डिवाइस है जो कि बहुत ही जल्दी जो है आपके और मोबाइल पे के साथ कनेक्ट हो। तो दोस्तों इसकी हमने ग्रिल खोल ली है, तो ये खोलते ही हमें जो है ये सामने कटी हुई वायर्स नज़र आ रही हैं और बहुत ही बुरा हाल किया है। और ये जनाब चूहा साहब का काम है और उन्होंने इसकी एसी की तबाही फेर दी। और ये इसका जनाब कॉइल सेंसर है जो उसने काट दिया, उसको अलग कर दिया। तो इसकी भी ये हमने इसकी जो बोर्ड है उसको भी उतारते हैं। और दोस्तों इसकी जो वायर्स हैं, ये इंडो कम्युनिकेशन वायर्स हैं, उसको भी उसने डैमेज किया और टोटली जो है इसका जो है काम तो। और ये देख रहे हैं आपके फ़ैन की जो है इंडोर ब्लोअर फ़ैन की जो है तारे, ओफो दोस्तों इसने तो बिल्कुल जो है सफाया कर दिया है फ़ैन मोटर का भी। और ये देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है इसको करीब से जो है उसने तारे काट दी। और ये DC वोल्टेज की मोटर है और ये दोस्तों देख सकते हैं ये जो सेंसर की वायर है ये भी कटी हुई है। ये बोर्ड हमने खोला हुआ है जिसमें मूविंग्स मोटर है, वो भी उसने जो है बिल्कुल जो है इनका सफाया कर दिया है। और ये देख रहे हैं ये सेंसर हमने उतार के जो ये बेचारा जो कटा पड़ा यहाँ पे ये, और कस्टमर जो है वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये उन्होंने AC जो है वो 1,06,000 रुपये का परचेज़ करके लगाया हुआ है और अभी सिर्फ जो है मुश्किल जो है 2-3 महीने हो गए। और ये देख रहे हैं कि उसकी जो है ये थोड़ी सी कस्टमर की लापरवाही है कि उसने जो है इसके जो सुराख हैं साइडों से वो बंद नहीं करवाए। और ये देख रहे हैं, और ये हमने ब्लोअर मोटर भी उसकी निकाली है। और दोस्तों ये जो है इसका तबाही की। और E3 भी जो है दोस्तों इसलिए आ रहा है जी, आप देख रहे होंगे इसका कॉइल सेंसर जो है वो डैमेज हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, चूहे ने उसको काट दिया है। तो E3 का जो है एरर कोड जो है वो इसीलिए आता है कि इसका जो कॉइल सेंसर है इंडोर का कूलिंग कॉइल सेंसर, अगर वो फॉल्टी होगा तो वो हमने इसको अभी दोस्तों जो है इसको रिपेयर कर दिया है। अगर हम इसको वहाँ पर रिपेयर करते तो फिर इसका जो है मोटर का जो है वो एरर आना था। तो हमने इसकी जो बड़ी मेहनत के साथ जो है इसकी जो फैन मोटर है उसको भी रिपेयर कर दिया क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। तो हमने जो है इसको रिपेयर किया है अभी, और रिपेयर करके हमने इसको चला के तो चेक कर लिया। ये आपके सामने टोटली इसकी वायर्स जो हैं सेम कलर्स की हमने लगा दी हैं, और इसका जो कॉइल सेंसर है उसको भी हमने रिपेयर कर दिया, उसको जॉइंट कर दिया। अगर हम वहीं पे लगाते तो फिर जो है ये इसकी जो फ़ैन मोटर का था वो एरर कोड जो है इसके ऊपर आता, तो फिर ये नया जो है
सिलसिला शुरू हो जाता पहले हमने। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, पर ही ज़रूरी है, अगर आपका ये कॉइल सेंसर या आप डिस्टेंस देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये है 5.6 की ये रेजिस्टेंस है और ये है क्वार्टर अम्पेयर की। अगर आपका ये सेंसर डैमेज हो जाए या मिल ना रहा हो तो दोस्तों आप जो है ये जो रेजिस्टेंस है ये आप इसके ऊपर लगा सकते हो, तो ये सेम जो है ये आपका एरर कोड जो है ये ख़त्म हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा और आपका एसी जो है परफेक्टली काम करना शुरू कर देगा। ये देख रहे हैं आप सामने आपके स्क्रीन पे है ये 5.6 के की जो है ये रेजिस्टेंस है क्वार्टर अम्पेयर की। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी पास की दुकान से आपको ये बासानी मिल सकती है। अगर आपको सेंसर ना मिल रहा हो, अगर आपका सेंसर बिल्कुल डैमेज हो गया हो, तो आप इसको लगा सकते हो अपने को जो है इसका E3 का जो है एरर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये है इसकी DC मोटर जो हमने इसको रिपेयर किया, तो अभी जो है इसको हम आपको फिट करके दिखाएँगे और दिखाएँगे आपको कि इसका जो एरर है वो फिनिश हो गया बिल्कुल, चल रहा है कैसे चल रहा है वो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। एसी को अभी हम इसको जो है रिपेयर कर लिए, तो अब हम चलते हैं कस्टमर के घर पे और वहाँ पे जाके है जो इसको फिट करते हैं। तो ये इसको गौर से आप देख लें ये रेजिस्टेंस को, और ये मैं जो बता रहा हूँ 5.6 के की क्वार्टर अम्पेयर, तो ये आप कॉइल सेंसर देख रहे हैं यहाँ पे लग सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे अभी जो है टेम्परेली जो है उसके साथ जो है फिटिंग कर दी है, नीचे रखा हमने और इसको चला के जो है ये हमने चला दिया, अभी एरर जो है वो फिनिश हो गया। चला के अब हम इसकी करेंगे गैस स्टोर और इसको उतारेंगे नीचे, क्योंकि अगर ये पूरा चलता तो आउटडोर फिर ही चलना था, उसके अलावा ये नहीं चल सकता। तो इसको अभी हम उतारेंगे इसका इंडोर, ये खोलेंगे इसको और खोल के तो इसको इस पहले तो करेंगे हम सर्विस और जो बाकी इसके डैमेजेस हुए हैं उसको भी ठीक करेंगे। तो ये अभी हमने कंप्लीट फिट कर लिया है इसको, ये आप देख सकते हैं सारे इसके मोटर की वायर्स भी लगी हैं और इसके जो कॉयल है सेंसर है उसको भी हमने अपनी जगह पे लगा दी है। तो अभी जो हम इसको चलाएंगे, तो दोस्तों ये हमने चला दिया है कैनवुड का 1838E स्मार्ट प्लस और ये बहुत ही परफेक्टली चल रहा है ये आपके सामने। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि E3 पे थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ।